Hi guys, my name is Janvi Singh. Welcome to my channel. I share you end split cut, how to end split cut from scissor, what is the end split, दो मोहे बाल क्या होते हैं, कैसे उन्हें ठीक करें, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, मैंने पार्ट वन और पार्ट टू आपके साथ शेयर किया है। तो आप घर पे ही अपने दो मुहे बाल अच्छे से कैंची से काट सकते हैं और इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो जैसे मैं आपको गाइड करूँगी आप वैसे ही काटिए, बिल्कुल परफेक्ट आपके हेयर कटेंगे। तो लॉकडाउन में आप पार्लर तो कहीं जाएंगे नहीं, तो घर पे ही आप आराम से अपने दो मुहे बाल भी काट लेंगे और आपके बालों में अच्छी सी हेयर कटिंग आ जाएगी। बैक में जब भी आप क्लेचर से हेयर सिक्योर करेंगे तो इतने ब्यूटीफुल पीछे से लगेंगे, आप देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मैं हूँ जानवी। आज मैं आपको दो मुहे बाल के बारे में बताऊंगी, कैसे आपके दो मुहे बाल हो जाते हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, और कुछ स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी जिससे आपके दो मुहे बाल अगर बहुत ही जल्दी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा। आपके दो मुहे बाल बार बार हो जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस वीडियो में सारी परेशानी एंड तक ख़त्म हो जाएगी। बट मैं अपना एक्सपीरियंस पहले ही आपके साथ शेयर कर देना चाहती हूँ, बिकॉज लड़कियों को जिनको लंबे बाल बहुत ही पसंद है, मुझे भी लॉन्ग हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो लोग हेयर कट नहीं करवाते हैं। एक महीने भी हो जाते दो महीने, या मेरे हेयर्स मैंने कितने 7-8 महीने हो चुके हैं, मैंने उन्हें बिल्कुल भी कट नहीं किया है। जब आपके हेयर्स कट नहीं होते हैं तो वो नीचे से डैमेज हो जाते हैं, फटने लगते हैं, रूखे हो जाते हैं, तो दो मुहे बाल हो जाते हैं एंड स्प्लिट, नीचे से वो दो मुहे बाल हो जाते हैं। अगर आप हेयर मास्क भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ऑयलिंग भी नहीं कर रहे हैं और आप ज़्यादातर अपने हेयर खुले रखते हैं, बाल धोया या नहीं धोया आपके बालों में ऑयल नहीं पड़ता है, और आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज करते हैं, आपके बाल पहले आपके हेयर पहले से ड्राई हैं, फिर आप 2-3 टाइम्स शैम्पू यूज करते हैं तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फिर आप उसमें कंडीशनर भी नहीं करते हैं, अगर कंडीशनर करते हैं तो आप गीले बालों में बाल सुलझाने लगते हैं या उनको झटकने लगते हैं, टॉवल से कुछ भी करने से आपके बाल डैमेज होंगे, टूटेंगे और हेयर फॉल आपका कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बिकॉज इसलिए हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि आपके दो मुहे बालों की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ से हमारी स्कैल्प से और हमारी ये दो मुहे बाल से क्या है कनेक्शन, में ये आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारे बाल यहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ पे जाके जो हमारे बाल हैं वो दो मुहे धीरे धीरे होते होते यहाँ तक होने लगेंगे, जब आपके सारे बाल खराब हो जाएंगे तो वो आपस में बहुत ही ज़्यादा उलझेंगे। आप दो मुहे बालों को कितना भी सुलझा लीजिए वो झाड़ू की तरह लगेंगे, उन पर कितनी भी ऑयलिंग कर लीजिए, हेयर स्पा यूज कर लीजिए, पर वो ठीक नहीं होगी। जब कोई चीज़ सड़ जाती है, जो हमारे ये दो मुहे बाल होते हैं नीचे के, ये 7-8 महीने बाद एकदम सड़ जाते हैं क्योंकि एकदम रूखे हो जाते हैं, तो इनको काटना ही जरूरी है। मैंने बाल अपने नहीं काटे थे क्योंकि मैं अपने बाल लंबे कर रही थी, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, बट अगर आप लंबे बाल करने के चक्कर में उनका केयर नहीं करेंगे आपको कट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल ज़्यादा नहीं कट हों, कम कट हो, तो आप हमेशा 2-3 मंथ में 2 इंच बाल इतना काट सकते हैं। अगर आप इतना इतना बाल हमेशा 2 या 3 महीने में सेट करते रहेंगे तो आपके बालों में एक सेटिंग भी रहेगी और आपके बाल कभी भी दो मुहे नहीं होंगे, कभी भी आपको ड्राइनेस नहीं होगी आपके बालों में। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, रूखे रूखे से, आप ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू करते हैं, हेयर मास्क सब कुछ यूज़ करते हैं, पर वो झाड़ू जैसे बाल कभी नहीं ठीक होते, इसलिए नहीं ठीक होते, जब दो मुहे बाल पूरे बाल में निकल आते तो वो आपस में उलझने लगते हैं, तो आप कितना भी सुलझा लीजिए वो फिर से उलझ जाएंगे, कितना भी ऑयलिंग कर लीजिए। इसीलिए आपको पता है जब कोई चीज़ सड़ जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसे कट करनी ही पड़ता है। जब हमारे रूट से बाल नीचे निकल धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसे टाइम हो जाता है, नीचे यहाँ जो ये बाल हैं यहाँ आते आते कितना समय हो जाते हैं, 3-4-5 साल है। और जब ये 4-5 सालों में आप इन्हें कट नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हम कल हेयर कटिंग कराते हैं, कभी हेयर स्टेप डलवा लेते हैं अपने बालों में, बट जब हम बाल अपने बढ़ा रहे होते हैं तो हम हेयर कट बिल्कुल भी नहीं कराते हैं और नहीं कराना भी चाहिए, बिकॉज हमें बाल बड़े करने हैं। बट आपको यहाँ नीचे से बाल को कटवाना ही पड़ेगा, आप देख सकते हैं नीचे का बाल एकदम रूखा हो जाता है, ड्राइनेस, और आपके बाल
सिर्फ नीचे ना कटवाने की वजह से ऊपर तक आपके बाल सारे डैमेज हो जाते हैं, और जब आपके बाल आप सुलझाते हैं तो वो बार बार फंस जाते हैं, तो आप बहुत कस के सुलझाने लगते हैं, जिससे रूट से जो हेयर होता है स्कैल्प से टूटने लगता है, तो आपका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो दो हुए बालों से आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके ड्राई हेयर हैं और ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे, उनमें कोई साइन नहीं रहेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम हेयर स्ट्रेटनर या हेयर कलर यूज़ कर लें तो पता नहीं चलेगा, उस टाइम तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर और हेयर कलर करने से आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे। बट फिर आप स्ट्रेटनर जितना भी आप यूज करेंगे आपके बाल को वो उतना ही जला देगा, हीट करेगा, और जितना आपको हेयर फॉल हो रहा है वो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, आपका हेयर फॉल होता रहेगा, आपके बाल झाड़ू जैसे बने रहेंगे और टूटते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपकी चोटी अगर इतनी मोटी होगी तो इतनी पतली हो जाएगी। इसीलिए हमें हेयर स्ट्रेटनर यूज नहीं करना है अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके दो मुँहे बाल हैं, अगर नीचे से आपके दो मुँहे बाल हैं, आपने उन्हें काटा नहीं है, तो आप हेयर फॉल को कभी भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये बाल आपस में इस तरह आपस में उलझ जाएंगे और आप सुलझाएंगे, तो सुलझाने के चक्कर में हम बहुत कस के इस तरह करते हैं, तो इसका प्रेशर सीधे हमारे स्कैल्प के बालों पे होता है, और आपकी रूट्स अगर पहले से आपकी स्कैल्प ड्राई हो गई है, वीक हो गया है, आपका सर्कुलेशन ब्लड का बहुत कम हो गया, आपका जो हेयर में ऑयलिंग कर लीजिए बिकॉज उतना आपको फ़ायदा नहीं मिलता, स्कैल्प में अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, अच्छे से उनको पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए अगर आपको कल हेयर वॉश करना है तो आज आप ऑयलिंग रात में कर लीजिए। ऑयलिंग करने के बाद आपको बाल बिल्कुल भी खुले नहीं रखने हैं, आप अपने बालों में चोटी कर लीजिए, जिससे चोटी करने से आपके बाल एकदम स्मूथ रहेंगे, टूटेंगे नहीं। अगर रात में आप बाल खोल के सोते हैं तो आपको उलझन होगी, साथ ही साथ आपके बाल इचेंगे, टूट जाएंगे, और बहुत ही जल्दी आपके बालों पे ड्राइनेस आ जाएगी। फिर ऑयलिंग करने के बाद आप सुबह अपने हेयर अच्छे से वॉश कर लीजिए, कंडीशनर कर लीजिए, और जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले हों तो आप उनको टॉवल से इस तरह पोंछें, इस तरह ना पोंछें, क्योंकि यहाँ से आपके बाल और ही ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे और निकल जाएंगे, वो कभी भी बड़े नहीं होंगे। तो फिर जब सूख जाए, हल्के से गीले रहें, तो आप सीरम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो हल्का सा आप कोकोनट ऑयल भी बिल्कुल 2-3 ड्रॉप लेके इस तरह और अपने बालों पे लगा लीजिए। गीले बालों पे हमें इसलिए अप्लाई करना है कि सूखने के बाद पता नहीं चलेगा आपने कोई ऑयल यूज कर रखा है, और आपके बाल सिल्की रहेंगे, साइन भी करेंगे। उसके बाद आप कंघी से अच्छे से, जब भी आप बाल सुलझाएं तो आप ऊपर से बाल ना सुलझाएं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे गांठ बंदी होगी और दो मुए बाल होंगे तो सुलझाते सारी गांठ ही यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, फिर यहाँ से वो ठीक से नहीं होगा, टूटने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले नीचे से आप बाल अच्छे से सुलझा लीजिए, मैं आपको कॉम से बताती हूँ। इस तरह जब आप बाल सुलझा लेंगे, ये देखिए कितने मेरे ड्राई और फ्रिजी हेयर होंगे नीचे से। जब आप नीचे के बाल अच्छे से सुलझा लेंगे तो जब आप ऊपर से ऐसे कंघा फेरते जाएंगे कॉम, तो वो आराम से आपके बालों पे हो जाएगा। और अगर आप नीचे से बाल नहीं सुलझाएंगे, सीधे ऊपर से करने लगेंगे, तो यहाँ पे अगर बाल आपके दो मुए बाल हैं वो पहले से उलझे हुए हैं तो उनमें और गांठ बन जाएगी, फिर आप उसको गांठ को हटाने के चक्कर में कस कस के करेंगे तो और आपके बाल इससे चले जाएंगे और टूट जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी है, और आप हर एक हफ्ते में या एक महीने में आप हेयर स्पा यूज करें, और हेयर स्पा आप ज़्यादातर एट होम यूज करें। अगर आप पार्लर जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, तो हेयर स्पा का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से फटाफट चेक कर लीजिए। हेयर स्पा बोल सकते हैं आप उसको, हेयर मास्क भी बोल सकते हैं। हेयर मास्क आपके बालों को साइन करता है, जितने भी आपके बालों पे ड्राइनेस हो रही है, फिजी हेयर हो गए हैं, और आप ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा खोल के रखते हैं तो वो फट जाते हैं, उनको वो कवर अप करने में बहुत ही काम